हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और बताएं आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू मी, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग टू मी। और ये रहे पांडे जी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हमारे यूट्यूब चैनल बंजारा कपल आसिर की ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज अर्की का बर्थडे, तो मैं थोड़ा ऑफिस से लेट हो गया, लेट आया और हम लेट निकले हैं भोपाल के लिए। और अभी ऑन द वे है, अभी सबसे पहले इनको जा रहा हूँ मैं दिलाने गिफ्ट, और फिर यहीं पर बर्थडे सेलिब्रेट करके मतलब, फिर निकलेंगे। मतलब पता है कि लेट है, तो बर्थडे में सबसे पहले बीवी का गुस्सा किस तरह दूर किया जा सकता है। हालांकि मैं गुस्सा नहीं हूँ। रात को तो हमने सेलिब्रेशन कर लिया था, मिड नाइट सेलिब्रेशन किया था। केक लाए थे पांडे जी, सरप्राइजली केक लाए थे। और कल भी एक गिफ्ट लाए थे, ये क्या लाए थे, मुझे क्या लाए थे, शर्ट लाए थे फ्रेंड से, चेंज करना है उसको। ऐसे मतलब बिना बताए गए मुझसे, मैंने बताया था ना कि सुबह के यहाँ गए हैं, ऑफिस काम में गए हैं, पर वहाँ नहीं गए हुए थे। गए थे वहीं केक लेने और कपड़े लेने गए थे, तो ले आए हैं, तो उसे चेंज करना है। तो आज भी चेंज करने का टाइम नहीं मिला, हो जाएगा चेंज। हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल संडे करेंगे। हाँ, तो फिलहाल तो अभी हम निकले हुए हैं और ये है दिलाने वाले गिफ्ट। क्या गिफ्ट दिलाने वाले हैं? अब क्या है ना, गिफ्ट डिले भी हो ना तो मुझे दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पता कि जितना डिले होगा उतना अच्छा होगा, उतना महंगा होगा, उतने ब्याज लग जाएंगे। इसलिए मुझे ब्याज नहीं, जल्दी ही निपटा देना। मैंने इसे बोला भी नहीं, क्या चलो, मैंने कहा रहन दो, अभी रहन दो, हाँ ले लो, चलो ले लो ले लो। तो जैसे मैं तो वेट ही कर रही थी कि 4 महीने बाद दूंगी। जैसे एनिवर्सरी का गिफ्ट मिला था तो मुझे आईफोन मिल गया था। तो पता है कि रिसेंटली अभी आईफोन 15 भी लॉन्च होने वाला है, तो मैं इसीलिए शायद रुकी हुई थी। तो मैं रुकी हुई थी कि 4 महीने वेट कर दे, 4 महीने गिफ्ट के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, है ना, हो सकता है फिर बोले याद दिलाए अचानक कि 4 महीने बाद। तो चलिए देखते हैं क्या है। अभी दिमाग में है इनके, पर दिमाग से बाहर आया नहीं है कि मुझ तक पहुंच जाए क्या गिफ्ट दिलाने वाले हैं। तो सीधे वहीं पे रुकेंगे जहां पे दिलाने वाले हैं। और ऐसा भी नहीं है, सरप्राइजली कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं भी रहूंगी साथ में। तो भाई तुम अपने मन से लो, ये वाला है, साथ में लेते हैं, चलते हैं। वैसा नहीं है, भोपाल में रहते थे तो प्लान हो भी जाता था कि ये सरप्राइजली कर लेते थे। अब रायसेन में कोई ऑप्शन है रहता नहीं है ज्यादा, तो ये कहते हैं कि अब जो है साथ में चल के लेना है। हालांकि कल वाला सरप्राइज ये है प्लान, मिडनाइट जो भी छोटा मोटा हो पाया। हाँ, रायसेन अब बिल्कुल। हाँ, भीड़ क्यों है? हम आ गए भोपाल और जा रहे हैं इनका गिफ्ट लेने के लिए। चलो ये ऐसे लगेगी, ये क्या कर रहे हो? अच्छा ये वाला स्पून जरा कलर वाला नहीं है, एक्चुअल लो ना। एक्चुअल कलर सिर्फ कलर किया रहता है, मीना होता है वो तो बस है? मीना होता है, मीना होता है। एक और देखा था ना, एक नेचुरल उसमें दिखाई है ना, थोड़ा सा झुमके वो मुझे पर्चा बना के दिखाना। मेरा तो डायरेक्ट ये वाला दिखाया था, ये वाला मिला देना आपको। इससे बेटर तो ये वाला है, ये अच्छा लगा, थोड़ा सा यूनिक कुछ नया। हाँ ये सब है, ये आप झुमका नहीं जानते। हाँ ये तो हम जानते हैं, ये वाला देखो ना ट्राई करें, ये वाला जो देख लिया उधर। सो फाइनली हमने गिफ्ट ले लिया है, और क्या लिया है वो हम आपको आगे बताएंगे। और अब चलते हैं
देखिए ऐसा है। अब आगे का जो भी प्लान रहेगा साइलेंट रहेगा। इनकी स्टार्ट हो गई है कॉन कॉल आधी शॉपिंग के बाद ही। अब मैंने विनिंग वगैरह कराया और इनकी कॉन कॉल स्टार्ट हो गई है, तो अब तो देखते हैं। अभी मतलब डिस्कशन वाला मैटर नहीं हो पाएगा। आ चुके हैं केक लेने के लिए। इन दोनों में से कौन सी ले ले, ये या ये? वैसे पापा रेमोल ले लेते हैं, हमको अच्छी लगती है। पापा ये लेते चॉकलेट बहुत गंदी लगती है। कौन सी ये ले रहे हैं? हाँ, रेमोल ये ठीक लगती है। आ रही है इनके? आई ठीक है, तो आप उसी को दे दो। ठीक, हमने फाइनल कर दिया। ये ले लिए, तो हमने केक ले लिया है, अब चल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन में। तो हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट। अब देव को देखिए, बच्चों की एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल, नहीं गिराएगा, बस हिला रहे ना वो ऐसे। मैंने जो जगह फाइनल की हुई थी बताए, मुझे अभी पता चला। तो हम आ चुके हैं वहां पर पे जगह। मस्त हैं, आनी रखे रहे तुम। वाओ, बहुत प्यारा लग रहा है। देखो ना लाइटिंग क्या होती है। आज मैं बर्थडे गर्ल हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लगा ये लुक? मस्त लग रहा है। ये रूफ टॉप पे बना हुआ है और हम बिल्कुल टॉप पे हैं, फोर्थ फ्लोर में। बाहर का लॉन ये पूरा रूफ टॉप पे बना हुआ है। ये टॉप में अच्छा, वहाँ पे लगी लड़की बस है। ये लाइट ज्यादा मार रहा है, ये रियल नहीं, ये पीला दे रहा है, ये ओरिजिनल कलर दे रहा है। मैंने उसका कलर चेंज। गाइस हमने अभी स्टार्टर ऑर्डर किया, फिर इसके बाद डिनर का प्लान करेंगे क्या खाना है। तो स्टार्टर में क्या किया है इन्होंने? किया हरा भरा कबाब। और अभी तो फिलहाल बैठे हैं, बहुत अच्छी हवा चल रही है। और केक कट कब करेंगे? बस स्टार्टर आ जाए, इसके बाद केक कट करेंगे, फिर खाना खाएंगे। तो कुछ ऐसे ही है और बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है और बहुत अच्छा है यहाँ। सो गाइस ये आ गया है हरा भरा कबाब और ये चटनी है। तो सबसे पहले खाओ भैया, तो अब केक काटने जा रहे हैं हम। तो भैया है जो हमारी मदद कर देंगे।
हाँ बता दो रहा मैं ये सर पे क्या। अरे एक लगा दिया, एक लगा दिया को किसी को खाने को नहीं दूंगी, मैं खुद खाऊंगी। अरे खा लो, स्टिक किसे चाहिए? स्टिक चाहिए देव को। इस वाले में क्या? अरे नहीं बेटा ठंडा है। जो फेवरेट चीज होती है ना वो सबसे ज्यादा होती है सौंफ। जो कुछ खाई जाती है, कुछ भरी जाती है टिश्यू पेपर में, समेटी जाती है। अभी हमने अपना एक ड्रीम डिसाइड किया है, कभी जब भगवान चाहेंगे पूरा होगा। क्या है पांडे जी? अपने रूम में एक ऐसी बनाएंगे, ओपन कीजिए, रूफ टॉप बनवाएंगे, फिर अलग अलग डेकोरेशन कर करके उसी में बर्थडे पार्टी करेंगे। बर्थडे पार्टी ऐसे भी है, मान लो कभी लाइव आ रहे हैं, नॉर्मली बैठे खुली हवा में बैठना है, खुली हवा में बैठना है, खाना खाना है। ये लोग खा रहे हैं राइस और मैं खा रही हूँ। बर्थडे सेलिब्रेशन रखा हुआ था, प्लान छोटा सा नहीं था, अच्छा था छोटा। तो आज था रिंकी का बर्थडे, तो हमने इसे अच्छे से सेलिब्रेट किया और अब निकल रहे हैं। हमें काफी फ्रेंड्स को इनवाइट करना था, वो हम नहीं कर पाए क्योंकि एक तो वीकेंड नहीं और किसी को छुट्टी नहीं, और अभी बहुत सारे त्योहार है लगातार ना। चले, थैंक यू। आपका शुभ नाम? सनी। थैंक यू सर। तो अब चल दिए हम लोग घर के लिए, पार्टी झोबर, और बच्चों की स्कूल है इसलिए हम ज्यादा लेट करना भी नहीं चाह रहे थे। सुबह इनकी स्कूल है, सुबह मेरा ऑफिस है, रिंकी को भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो तो इसलिए हम ज्यादा लेट नहीं करना चाह रहे थे, हम समय पर ही। फिर भी हमें लगता है 11 बज गए होंगे, ठीक है, फिर भी समय पे हम लोग खाली हो गए हैं और निकल रहे हैं। अब यहाँ से अभी हमें जाना है रायसेन, अभी हमें भोपाल पे, हाँ भोपाल से हम जा रहे हैं रायसेन के लिए।
घर पहुंचकर सबको खूब सारा सोना है और सुबह इनको स्कूल जाना है, मुझे ऑफिस जाना है। देव गाइस हम आ गए हैं घर और बच्चे सो गए हैं, बच्चे कार में ही सो गए थे तो सो गए हैं और अभी मैं जग रही हूँ क्योंकि मैंने अभी बच्चों की यूनिफॉर्म सुबह धोना भूल गई थी तो अभी लगा रखे हैं मैंने वॉशिंग मशीन में, तो उसको ड्रायर से सुखा कर फिर पंखे की हवा में फैला दूंगी तो सुबह प्रेस करने के बाद सही हो जाएंगे, सूख जाएंगे अच्छे से, रात को सूख जाएंगे प्रेस कर देंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक। और कुछ ऐसा रहा हमारा बर्थडे, बहुत अच्छा था जैसा भी था, मतलब टाइम कम रहा है लेकिन बहुत अच्छे सेलिब्रेट किया हमने। और चलिए इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक, वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, बाय बाय।